हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल और टेस्टी कॉर्न की रेसिपी, स्वीट कॉर्न की रेसिपी। अभी मकई का सीजन चल रहा है तो आप इसे बना के ट्राई कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो इसे बनाइए और खाइए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो मकई लिए हैं, तो आप देसी वाले लें या फिर आप अमेरिकन कॉर्न लें, जो भी आपको मिल जाए स्वीट कॉर्न उसे ले लें। इसे आप इस तरह से कट कर लें। अमेरिकन वाले में होता ये है कि ये थोड़े दाने इसके अच्छे मोटे मोटे हैं, जिसको स्वीट कॉर्न बोलते हैं, तो बड़े बड़े होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मीठे होते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे दो भुट्टे को कट कर लिया है, लेकिन बनाऊंगी मैं एक को, बाकी को मैं उबाल के ही खाने वाली हूँ। बस साथ में इसे उबाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी लिया है, जिसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़ा सा नमक डालेंगे, जिससे भुट्टा उबालते समय भुट्टे के अंदर भी नमक आ जाए, फ्लेवर आ जाए। इसके अंदर मैं सभी को डाल दे रही हूँ और इसे उबाल लेती हूँ। तो 8 से 10 मिनट में ये भुट्टे अच्छे से उबल जाते हैं। उसके बाद हम इसकी एक चटनी बना लेते हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर चटनी लगाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा धनिया डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा पुदीना डालूँगी इसके अंदर, और थोड़ी सी मिर्ची और थोड़े से लहसुन, इतना ही हम डालेंगे, और साथ में नमक डालेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा बेसिक सा चटनी बन के रेडी हो जाएगा। आप घर पर जैसा बनाते हो वो भी बना सकते हैं। इसे हम पीस लेंगे और साथ में इसमें मैं एक नींबू डाल रही हूँ, जिसमें से अच्छी खटास आ जाए। और आप घर पे अगर चटनी अपने हिसाब से भी कोई बहुत अच्छी बनाती हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, हरी पुदीने की चटनी। तो यहाँ पे हम इसको पीस के ले लेते हैं। उसके बाद हमारा जो भुट्टा है वो भी उबल गया है, इसको हम निकाल के ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा। तो इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, बॉयल किया हुआ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसके दाने निकाल के अब इसमें प्याज टमाटर डाल के बना सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक पैन लिया है, जिसमें मैं थोड़ा सा बटर लगा दे रही हूँ। इसमें हम भुट्टे को इस तरह से रखेंगे और इसके बाद हम इसको ऊपर मेल्टेड बटर लगाएंगे। बटर को लगाने से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। साथ पे इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च की पाउडर हम इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे हल्का हल्का, और उसके बाद हम इस पे ग्रीन चटनी जो हमने बनाया था उसे लगाएंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो तीखा जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से इसकी चटनी बनाइएगा। सभी पे अच्छे से लगाने के बाद हम ऊपर से चीज़ डाल देंगे। तो आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो उसमें थोड़ा ग्रिल कर सकते हैं, जब तक हमारा चीज़ मेल्ट नहीं होता हो तब तक। तो यहाँ पे मैंने मोज़रेला और प्रोसेस दोनों मिला के चीज़ लिया है, और ये ऐसे ही मिला था ग्रेटेड वाला, वही मैंने लिया है। और इसको हम बेक कर लेंगे। तो इसको लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के लिए आप रख दीजिएगा गैस पे, तो ये अच्छे से चीज़ मेल्ट हो जाएगी। माइक्रोवेव में भी अगर सिर्फ माइक्रो मोड पे कर रहे हैं तो ये 1 मिनट के अंदर हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस हमें इसे मेल्ट करना है। इसके बाद आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। ऊपर से आप थोड़े से मिक्स हर्ब या फिर रेड चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। इसे बनाइए, खाइए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।